हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आई एम अ टैरो रीडर। मैं टैरो रीड करती हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीकली टैरो रीडिंग। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो वीक जो स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का मंडे टू संडे तक, ये कैसा रहने वाला है। ठीक है, मतलब 16th से जो एक वीक आपका स्टार्ट हो रहा है, 16th अगस्त से जो एक वीक स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, वो आप लोगों का कैसा रहने वाला है। सो यहाँ पर मैं तीन अलग अलग डेक से आपको रीडिंग दूंगी। ओके, ये एक रीडिंग मैं ओशो जेन से दूंगी आप लोगों के लिए, कुछ कार्ड्स मैं राइडर वेट से निकालूंगी और आप लोगों की लव रीडिंग के लिए मैं एक सेपरेट कार्ड्स यूज़ करूंगी, वो है लवर्स और लवर्स डेक। ओके, तो ये तीन डेक मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ, तो ये राशियों के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तीन पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ। ये वाली जो वीडियो है ये एरिस के लिए है, एरिस, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी वो आगे की चार राशियों के लिए होगी और जो नेक्स्ट होगी उसमें की उसमें सारे जो है वो आप लोगों की राशियाँ सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं, एरिस का जानते हैं कि एरिस की कैसे रहने वाली हैं, ये जो वीक है ये एरिस का कैसा रहने वाला है। आप लोगों के सामने ही कार्ड्स जो मैं निकाल रही हूँ बिकॉज कार्ड्स जो हैं आपसे रिजोनेट कर पाएँ और आप लोगों की एनर्जीज मैच हो पाए। ठीक है, तो ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, आइए देखते हैं। एरिस, एडवेंचर, एक एक करके मैं भी सब कार्ड्स को आपको यहाँ पर डिफाइन भी करूँगी, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को जिससे कि आप समझ पाएंगे इजीली। बियॉन्ड इल्यूजन, दैट्स ग्रेट। सॉरी, ओके, सो कंट्रोल, थर्ड कार्ड आप लोगों का जो है वो है कंट्रोल एंड द नेक्स्ट वन इज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो एरिस, ये आप लोगों के लिए कार्ड हैं, कुछ तो पॉजिटिव हैं बट कुछ नेगेटिव हैं। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो, कुछ इश्यूज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये तो कुछ कार्ड हमने निकाले ओशो ज़ेन से। ठीक है, अब कुछ कार्ड हम निकालेंगे राइडर वेट से। आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी मैं अभी, ठीक है, सब कार्ड्स का मतलब बताऊंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। पहले मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स जो है वो निकाल दूंगी। द एम्परर, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एक लास्ट कार्ड और इस डेक से आप लोगों के लिए और वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इसको डेक को भी हम साइड रख देते हैं। अब हम आपके लिए लव लाइफ का एक कार्ड निकालते हैं और देखते हैं वो क्या आता है। ओके, तो हम बीच में से कोई भी एरिस आप लोगों के लिए कार्ड निकालते हैं इस मंथ का, सॉरी इस वीक का। ओके, अभी आपको इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने जो कार्ड्स हैं वो निकाले थे ओशो ज़ेन डेक से, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओशो ज़ेन में सबसे पहले जो आप लोगों के लिए कार्ड आया वो आया एडवेंचर। एडवेंचर हमें ये बताता है कि ये वीक आपको न्यू एडवेंचर्स देगा, कुछ चीज़ें जो है वो आप न्यू एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में। ठीक है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, आप कुछ नया एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर और कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में अब यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं, कुछ नई पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टार्ट हो रही हैं। यू कैन सी कि ये बच्चा जो ये आगे बढ़ रहा है, आगे वाइट लाइट है और रेनबो के कलर्स हैं। ठीक है, एक रेनबो टाइप बना हुआ है और काफ़ी सारे इसमें कलर्स हैं। इसका मतलब ये है कि आगे की तरफ आप जा रहे हैं और ये वीक आपके लिए एडवेंचरस रहने वाला है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी लाइफ में और कुछ नया होने वाला है। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस करने लायक, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है।
इसके बाद कार्ड आया बियॉन्ड इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड हमें बताता है कि आपकी पहली बात तो आप इस वीक में थोड़ा अपने मन की शांति के लिए सोचेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका मन सीरियसली चाहता है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका मन चाहता है जिसमें आप इनर पीस अपना चाहते हो मन का, ठीक है। आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ना घुसकर आप इसमें मन की शांति मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपकी इस वीक में, ठीक है। और ये पता चलता है कि आप पॉजिटिव हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, पॉजिटिव लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का कार्ड आया वो आया कंट्रोल। कंट्रोल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो बट वो आपके हाथ से और ज़्यादा निकलती जा रही है। जितना आप सोच रहे हो ना ये मेरे अकॉर्डिंग चले, उतना वो अपोजिट हो रहा है, उतना वो आपके अपोजिट चल रही हैं चीज़ें। तो इसका मतलब ये कि कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जिस भी चीज़ को आप जितना कंट्रोल करोगे ना वो उतना डाउनफॉल जाएगी। देखिए यहाँ पे ये डाउनफॉल जा रहा है इनका, ये बिजनेस है इस पर्सन का, ये जो भी आपके लाइफ से कैसे भी रिजोनेट हो रहा है, ठीक है, भले ये मेंटली है, इमोशनली है, किसी भी तरह से, ठीक है, बट ये डाउनफॉल जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज इन्होंने अपने सर पे इतनी टेंशन ले रखी है, इतना बर्डन ले रखा है कि वो पॉजिटिव तो हो नहीं रहा कुछ भी और नेगेटिव कर रहे हैं उसको ओवरथिंक करके। तो आपको कुछ ओवरथिंक नहीं करना, अगर ठीक है बर्डन मैं जानती हूँ माइंड पे आपके अगर बर्डन है तो, बट जरूरी ये है कि आप कोशिश करो उस बर्डन को सॉल्व करने की, ठीक है। इसके बाद कार्ड आया स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया का हमें कार्ड ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस जगह से निकलने का, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ या मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं इधर जाऊँ तो भी दिक्कतें हैं, मैं इस तरफ जाऊँ तो भी दिक्कतें हैं। मतलब यहाँ पर आपको दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप कहीं फंसे हुए फील कर रहे हैं बीच में, ना आप इधर जा सकते हैं ना आप इधर जा सकते हैं। और एक चीज़ और कि कोई आप पर नज़र रख रहा है प्रॉपर, देखिए यहाँ पर कोई आप पर प्रॉपर नज़र रख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि स्टक फील कर रहे हो, तो ऐसे जब स्टक फील कर रहे हो तो चीज़ों को मत छेड़ो, बिकॉज आप जितना चीज़ों को छेड़ोगे ना आप उतना डूबते चले जाओगे उनमें। ये दो का जमे बताते हैं कि अगर आपने कोई भी स्टेप लिया, कोई भी एक्शन लिया तो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी, ठीक है, आप और ज़्यादा फंस जाओगे। लेकिन वहीं ये कार्ड हमें बताता है कि देखो अगर पानी बहुत तेज़ बहाव में अगर कोई इंसान गिर जाता है, ठीक है, अगर वो हाथ पर मारेगा तो डेफिनेटली वो गिर जाएगा, डेफिनेटली वो उसमें डूब जाएगा, लेकिन अगर वो शांति से उस फ्लो के साथ जाएगा ना तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है आपके साथ, अगर आप इस टाइम सिचुएशन में ज़्यादा सोचोगे, हाथ पैर मारोगे, वहाँ से निकलने की कोशिश करोगे तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन को बिगड़ने ना दे। कुछ ऐसा मुझे घटित होता हुआ यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आगे दिखाई दे रही है इस वीक में आपकी कि आप बहुत स्टक फील करने वाले हो, बट इस यहाँ से निकलने के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ जाओ। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आया है जो कि हमें बताते हैं कि आप बस फ्लो के साथ जाओ, मत सोचो, शांति से बस चलते रहो। जब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना तो वो अपने आप ही ठीक होंगी, ठीक है, आप बस फ्लो के साथ आगे बढ़ो। तो ये कार्ड थे आपके ओशो ज़ेन से। अब जो कार्ड आपके राइडर वेट्स आए हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कार्ड आया था द एम्परर। द एम्परर का मतलब आया, सबसे पहली बात तो आप अपनी किसी जिद पे अड़े हुए हो, ठीक है, या फिर दो तरह से हम इसको रिजोनेट कर सकते हैं। आप किसी अपनी किसी जिद पे अड़े हुए हो, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि आप बस अपना, मतलब कि आप जो ठीक लग रहा है ना आपका वो करना चाहते हो, बट इस भूल में आप ये मत सोच, ये मत भूल जाना कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। जो भी करोगे थोड़ा सा उसको सोच समझ के आप करिएगा, सॉरी। सो इसके बाद मुझे ये भी पता चलता है कि कोई आपके कोई आया तो आपके फादर आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको किसी ऐसे पर्सन की मुझे हेल्प मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प मिल रही है जो आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बूढ़े हैं, तो आप उनकी हेल्प लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, तो आप वहाँ उस हेल्प से पीछे ना हटें। इसके बाद जो आप लोगों का कार्ड आया था वो आया था टेम्परेंस। टेम्परेंस हमें ये बताते हैं कि पहले वक्त तो आप थोड़े से बैलेंस बना के चलिए चीज़ों में, अनबैलेंस मत होने दीजिए बहुत ज़्यादा, बैलेंस बना के चलिए। और हमें टेम्परेंस ये भी बताते हैं कि एक न्यू बिगनिंग है लाइफ में आगे, बट सिचुएशन फिलहाल ऐसी है कि आप उसको बैलेंस बना के चलें। कुछ इस टाइप का मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे आपकी लाइफ में यहाँ नज़र आ रही हैं। देखिए फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि हमें बताते हैं कि छोटी मोटी स्मॉल लॉसेस, डिसअपॉइंटमेंट्स होनी तय है लाइफ में, ठीक है, इस वीक में।
तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस बनाए कि चलो चीजों में बहुत ज्यादा ओवर थिंक मत करो अपने आप को, मतलब ठीक है परेशानी में तो हो बट सोच सोच के और ज्यादा परेशान मत करो, ठीक है। टेम्परेंस का जो कार्ड है हमें लव लाइफ भी बताता है कि लव लाइफ में भी आपको थोड़े बहुत यहाँ पे मुझे पता चलता है कि बैलेंस बना हुआ है, बट छोटी मोटी कुछ डिसअपॉइंटमेंट होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके बाद हमारे पास एक दो और कार्ड है, सॉरी एक तो हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स और एक आया था मैजिशियन। द मैजिशियन हमें बताते हैं कि आप कुछ नया करने का अगर सोच रहे हो तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, बिकॉज आप में वो एबिलिटी है कि आप किसी भी लाइन में आगे बढ़ के सक्सेस आप पा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप का कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप आगे बढ़िए, आप जिस भी रास्ते में जा रहे हैं फिलहाल, तो अगर किसी स्टक सिचुएशन में फंसे हुए फील कर रहे हो तो थोड़ा सा शांति से चलो, बट अगर आप किसी फील्ड की तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो आगे बढ़ो। यहाँ पे मुझे आपके ट्रिप्स भी दिखाई दे रहे हैं, एक इनफाइनाइट आप में मतलब हिम्मत है काम को करने की, आप में क्षमता बहुत है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, खुद को सक्सेसफुल करने की, ठीक है। तो मुझे कुछ बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहे हैं यहाँ पे, आप किसी नई फील्ड की ओर मुझे बढ़ते हुए नजर आते हैं, ठीक है। अपनी हॉबी की तरफ आप रुचि रखते हुए नजर आते हैं, आप अपने काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर अपने काम को लेकर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्सेस दिखाई दे रही है। सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आपने अभी तक सोच रहे हो स्टार्टअप नहीं किया तो आप उन चीजों को स्टार्ट करोगे और उनमें आगे बढ़ोगे, अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो डेफिनेटली आपको उनमें जो है आगे आगे की तरफ प्रॉफिट्स ही मिलने हैं, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। ये कार्ड थे आपके, हमारी दो डेक्स है, एक जो लास्ट कार्ड आप लोगों का लव कार्ड जो है, ओके लव कार्ड जो आप लोगों का है उसमें मैसेज आपके लिए क्या दिया हुआ है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, ओके। अगर देखिए अगर आपको इनर पीस चाहिए तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा चीजों का, जो कि आपका आया था ये कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन का, मन की शांति का, ठीक है। तो मन की शांति आप ढूंढ रहे हैं, अगर एक्सेप्टेंस मतलब अगर आप एक्सेप्ट करोगे चीजों को तो वो एक चाबी है आपके इनर पीस की, आपके मन की शांति की। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए चीजों को जैसे वो हैं। देर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज व्हाट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। देखो यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन आया, ठीक है, यहाँ पे बियॉन्ड कंट्रोल का कार्ड आया है जो कि हमें बताता है कि कोई पॉइंट नहीं है चीजों को चेंज करने का, ठीक है, जब वो आपके कंट्रोल से बाहर है। तो अगर चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है तो आप उनको कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड यही बताता है, आप पढ़ सकते हैं मैसेज, मैं यहाँ पे 10 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड कर देती हूँ। वैसे आपको अपोजिट दिख रहा होगा, हाँ सॉरी, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों के लिए कार्ड है कि आप एक्सेप्ट करें चीजों को जैसी वो है, उनको चेंज करने की कोशिश ना करें बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एरीज, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं खास तौर से लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर आपकी पर्सनल रीडिंग दे दी जाएगी, यहाँ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपसे मैच नहीं किया होगा, बट पर्सनल रीडिंग में सब कुछ आपके लिए होता है तो डेफिनेटली वो सब आपसे मैच भी करेगा, ठीक है। तो ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में इस तरह से कुछ इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट राशि टॉरस की ओर। टॉरस के लिए क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स, हर तरह से तीनों डेक से हम देखेंगे, ठीक है, कि टॉरस क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालते हैं राइडर वेट के लिए, ओके सॉरी, कार्ड्स निकालते हैं राइडर वेट से। द एम्प्रेस, किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ओके, एम्प्रेस दैट्स ग्रेट, अच्छे कार्ड्स आपके, ओके द मैजिशियन। टॉरस आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को मतलब सक्सेस जो है वो दूर नहीं है, घूमना फिरना सब कुछ लाइफ में मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सुंदर कार्ड्स हैं लिटरली, मतलब इतने सारे कार्ड्स का एक साथ पैकेज जो है मैंने बहुत कम देखा है, बहुत कम इस तरह से निकल के आते हैं कार्ड्स। एक और निकालते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है,
इसके बाद हम निकालते हैं कार्ड ओशो ज़ेन से, ठीक है। इंटेंसिटी दैट्स ग्रेट, मतलब अगर उस डेक से सक्सेस आई आपकी तो इससे भी वही आई है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, द मास्टर दैट्स ग्रेट, रियली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, भी आपको मतलब बताऊंगी ना तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड अलोननेस, इससे हम सारी कार्ड्स जो है वो निकाल रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक अब इस डेक से निकालेंगे हम, ओके। इट्स हार्ड टू शफल दीज कार्ड्स बिकॉज ये हार्ट शेप में है तो बहुत डिफिकल्ट है इन्हें ऐसे ना शफल करना। ओके, तो इसमें से मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड निकालती हूँ। ओके, ठीक है, अभी हम इनका मतलब देखेंगे सबका। टॉरेंस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। और जो ये कार्ड है, ठीक है, ये इसको हम लास्ट में रीड करेंगे। ये आपका लव टेक से मैंने निकाला है, बाकी कार्ड्स हम आप लोगों के रीड करते हैं। सबसे पहले तो कार्ड आया है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस हमें बताता है कि अगर आप एक वुमेन इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप एक वुमेन है और आप इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ऐशो आराम लाइफ में हर तरह से, मतलब मौज में रहना, घूमना फिरना, मतलब अपने आप को बहुत अप टू डेट रखना, इस टाइप का आप लोगों का मुझे कार्ड मिला है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, एज़ यू कैन सी द एम्प्रेस का कार्ड है आपका, ठीक है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस, खुश हैं लाइफ में, ठीक है, और हर तरह से अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है इन्होंने, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और अगर आप एक, और पहले मैं इसलिए, अगर आप वुमेन है, आपने कार्ड देखा है, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो, इंडिपेंडेंसी की ओर आप बढ़ने वाले हो, बढ़ना चाहते हो, और इस तरह का मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा बहुत अच्छा आपकी लाइफ में आता हो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा कार्ड आप लोगों के लिए आया है, बहुत ही सुंदर। अगर रिजोनेट कर पा रही हो तो मुझे अभी जाके आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कि क्या आप सोच रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का, कुछ खुद का करने का, ताकि आपकी खुद की पहचान हो, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मुझे मटेरियलिस्टिक सक्सेस आती हुई आप लोगों की लाइफ में बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल आपका चेंज होता हुआ मुझे नज़र आता है। इसके बाद नाइट ऑफ वॉन्स, ट्रिप्स के लिए प्लान कर रहे हो, ट्रिप्स मुझे आपकी आगे आती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, घूमना फिरना, हो सकता है अभी रिसेंट में आपने ट्रिप्स ली भी हो या फिर अब आप आगे का सोच रहे हो, ठीक है। तो घूमने के लिए आप ट्रिप्स जो है वो प्लान कर रहे हो, और ऐसा में दिखाई देता है कि इस वीक या फिर इस मंथ आप कोई ना कोई ट्रिप जो है वो आपकी बनेगी, ठीक है। इसके बाद जो कार्ड है वो आया है आपका नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स में हमें भी बताते हैं मटेरियलिस्टिक एंड फाइनेंशियल सक्सेस, ओके। और ये पता चलता है कि बहुत ही मतलब अच्छा है, इंडिपेंडेंसी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, खुश हैं आप, ठीक है। और ये दोनों जो कार्ड्स हैं ना वो हमें यही बताते हैं कि मतलब एक अच्छी लाइफ की ओर आपकी जो लाइफ है वो आगे बढ़ रही है, एक अच्छी और पॉजिटिव जिंदगी की ओर। इसके बाद अगर आप एक मैन हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर आप अनमैरिड हैं और आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में कोई वुमेन आने वाली है, ठीक है। और ये पता चलता है कि वो आपके लिए बहुत लकी होंगी हर तरह से, बिकॉज जिस तरह के उनके कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं उस तरह से पता चलता है कि वो आपका बहुत अच्छा लक होंगी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्स आया है, वो भी हमें एक तरह से बताता है, स्टेबिलिटी बताते हैं पेज ऑफ वॉन्स, और हमें ये बताते हैं कि आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर मतलब ब्राइट है,
फ्यूचर की तरफ से मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा। द मैजिशियन का कार्ड है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि आगे की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में अगर जाने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप हर काम को करने का पोटेंशियल रखते हैं। मैजिशियन के ऊपर जो इन्फेनाइट का जो साइन है वो हमें ये बताते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास हर तरह की एनर्जीज हैं, आप हर तरह से खुद को ढाल सकते हैं, हर तरह की फील्ड में आप खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैजिशियन हमें ये बताते हैं। और मैजिशियन से भी हमें पता चलता है कि घूमना फिरना, ट्रिप्स, इंटरनेशनल नेशनल ट्रिप्स हैं, फिर छोटा मोटा टूर आपका पड़ता हुआ हमें दिखाई यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो सेवन ऑफ कप्स है वो हमें ये बताते हैं कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अब आगे आने वाली हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, मतलब कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट फिर भी एक बार जरूरी है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आप थोड़ा देखकर परखकर आप उसमें आगे बढ़े, तब उन अपॉर्चुनिटीज़ को लें, ताकि आपके लिए चीज़ें जो है वो पॉजिटिव रहें। ठीक है, मतलब लाइफ में आगे आपको कोई इशू जो है इस चीज़ को लेकर कुछ भी क्रिएट ना हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी आने वाली हैं बिजनेस को लेकर। ठीक है, अपनी लाइफ को आगे अगर हम देखें तो कि आगे को लेकर आपकी जो पॉजिटिविटी है लाइफ की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आती हुई नज़र आ रही हैं, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। तो बहुत अच्छी और हाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो राइडर वेट से तो ये टेक थे, इसको हम साइड करके अब ओशो ज़ेन से रीड करते हैं। ओशो ज़ेन से हमने चार कार्ड्स निकाले आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड दैट आर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का कार्ड हमें बताते हैं कि वह पास्ट को भूल कर बस आगे की ओर सोचना चाहते हैं, बस आगे का देखना चाहते हैं, और आप उस तरफ खुद को बढ़ा चुके हैं फ्यूचर की तरफ। आप खुद को अब इतना मतलब आगे लेकर जाना चाहते हैं कि आप पीछे मुड़कर देखना ही नहीं चाहते कि पीछे क्या था क्या नहीं था, और आप वही कर रहे हैं, आप आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये चीज़ आपकी एक गट फीलिंग है कि यार मुझे करना है, सब बाहर में जाए, मुझे करना है, मुझे नहीं पता, मुझे अपने लिए करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये कार्ड, हमें बताते हैं कि बस अब आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जो प्लैनेट्स हैं वो आपको आगे की ओर ही बढ़ने देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको, मुझे ये चेंज आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, कि अब फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होगा ना आप लोगों के साथ, कि आप ऐसे बन जाओगे नेचर के कि यार मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं जानता हूँ मेरी इंटेंशन ठीक है, मेरा भगवान जानता है, बाकी अगर किसी को मैं गलत ही लगता हूँ तो कोई बात नहीं, लगने दो, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। आपको इस बात की भी अब परवाह नहीं है कि आप किसी की नज़रों में गलत बन रहे हैं, बिकॉज आप जानते हो आपकी इंटेंशन गलत है। आप सही बन के भी कुछ नहीं मिला लाइफ में लोगों की नज़रों में, तो अब आपको ये हो गया यार मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा, जहाँ मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा मैं वो करूँगा। वही देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताते हैं कि आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। वही द मास्टर का कार्ड हमें बताते हैं कि आपको जो ठीक लगेगा आप अपनी ज़िंदगी में वही करेंगे, आप किसी के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। आप अब ये एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और लोगों से कि वो आपके पीछे चलें, ठीक है, आप उनको गाइड करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है, कि अब आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से जियेंगे, आप में ये चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही अच्छे। अलोन, अकेला रहकर आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आपको ये मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, किसी का एहसान, मैं खुद कर लूँगा, मैं इतनी काबिलियत खुद में रखता हूँ, मैं इतनी काबिलियत खुद में रखती हूँ कि मैं खुद कर सकती हूँ ये काम, ठीक है। तो अब आप खुद ही आगे की ओर सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, और आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि जब तक आप अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक आप वो चीज़ नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। औरों की बातों में आकर, औरों के साथ रहकर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। तो आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप जो करना चाहते हैं अकेले रहकर करें, मतलब अकेले उस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब जो आपका जो कार्ड हमें लव लाइफ से मिला है आप लोगों की, ठीक है, लव डेक से जो आपके लिए कार्ड मिला है वो है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस। Love and expect ease other as you are and your relationship will magically transform. ठीक है, मतलब एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ अनहैप्पीनेस के अलावा। एक्सेप्ट करो, प्यार करो और एक्सेप्ट करो एक दूसरे को जैसे आप दोनों हो। ये सब करने से आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, डेफिनेटली एक अच्छा मोड़ ले लेगा। ये कार्ड से आप लोगों के लिए टॉरियंस। रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी ना हिम्मत बनी रहे कि नहीं यार आप लोग देखते हो, मुझे आप लोगों के लिए वीडियोस डालने हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस डालनी है। मैं भी आप लोगों के लिए अलग अलग डेक से रीडिंग करना इसलिए पसंद करती हूँ, ठीक है, और मैं आगे भी आप लोगों को ऐसी रीडिंग्स देती रहूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं जेमिनी की ओर। जेमिनी जिन लोगों का जोड़िए
साइन है उनके लिए टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं, ठीक है। ओशो जेन से देखते हैं हम सबसे पहले, ओशो जेन क्या कार्ड्स देते हैं आप लोगों के लिए जेमिनाई, क्या बताते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। द रेबेल, ओके। ट्रैवलिंग डिफिकल्ट है थोड़ा, स्ट्रेस एंड न्यू विजन, ओके। तो दो हमारे पास मेजर कार्ड्स आए हैं और दो हमारे पास फायर कार्ड्स आए हैं, एक और देखते हैं हम, एक कार्ड और आप लोगों के लिए आखिर क्या आता है। द क्रिएटर, ये भी आप लोगों के लिए एक फायर कार्ड है, क्या बात है, एनर्जीज बहुत अच्छी मैच कर रही हैं सब लोगों की, किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, सब लोगों के लिए ही एनर्जीज, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है लोगों में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो। राइडर वेट से देखते हैं हम, तो जेमिनाई अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिलती रहे, ठीक है, गाइडेंस मिलती रहे, ओके ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्पॉट्स, फीलिंग्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। किंग ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट, अगर आप वुमेन इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। द फूल, अवेयरनेस रखो थोड़ी, चार कार्ड्स निकाले हमने, एक और हम निकालते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, एक कार्ड हम निकालेंगे लवर्स डेक से। तो बीच में से मैं कोई भी कार्ड आप लोगों के लिए इसमें से निकाल देती हूँ, निकालती हूँ, बहुत देर से मेरी नज़र है इस कार्ड पे, ओके। सो ये कार्ड मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ, बाकी पर्सनल सेशन अगर लेना चाहते हैं ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग तो हो सकता है आपसे थोड़ी बहुत अनमैच रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजोनेट ना हो, बट अगर आप पर्सनल सेशन लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ अगर सॉल्यूशन नहीं मिले वहाँ मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और मेरे साथ ऐसा नहीं कि मैं दो तीन दिन में आपको रीडिंग्स देती हूँ या सेशन बुक करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे जैसे अभी 6 PM से पहले अगर आप मुझे बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको सेम डे रीडिंग मिल जाएगी, सेम डे आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। मेरे साथ कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि आपने मुझसे आज रीडिंग करा ली तो आप आगे मुझसे बात नहीं कर सकते, मतलब उसी रीडिंग के लिए आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। सो जेमिनाई हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग से। सबसे पहले जो कार्ड आया ओशो ज़ेन से वो आया द रेबल। द रेबल हमें यहाँ पर द रेबल और मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलना चाहूँगी। अगर आप एक मैन हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप द रेबल कार्ड आपके आया है, तो इसका मतलब ये है कि आप सोसाइटीज़ की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, लोगों की अपनी फैमिली की सोसाइटीज़ की बनाई हुई मतलब रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज आपके लिमिट जो है वो यहाँ तक नहीं है, बस आपकी जो एबिलिटीज हैं बस वो लिमिटेड नहीं है, आप उसको अनलिमिटेड रखना चाहते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो होने वाला है, ठीक है, आपके लिए ये टाइम पीरियड डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज कदम कदम पर यहाँ पर इश्यूज मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं जेमिनाई, और आपके ऊपर स्ट्रेस भी रहेगा, नो डाउट आपके ऊपर स्ट्रेस भी रहेगा, और आप किसी बहुत पर्सनल वन से हर्ट भी होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट फिर भी ट्रैवलिंग का कार्ड बताता है कि ये ट्रैवल जो है आपके लिए, ये जो जर्नी है आपके लिए आसान नहीं है, जो जर्नी आपने स्टार्ट करी है ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहेगी। बीच बीच में हो सकता है आप ये सोचें कि यार गिव अप कर दे, यार छोड़, अगर आप किसी नए फील्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, किसी जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप अपने आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग का कार्ड हमें बताते हैं कि आपके साथ इश्यूज रहने वाले हैं, कदम कदम पर प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं आपके साथ, आपको ऐसा लगेगा कि यार
समझ नहीं आ रहा, मैं गिव अप कर दूं क्या ठीक रहेगा, इस टाइप की फीलिंग मुझे आपके मन में यहाँ पर नजर आती है, दिखाई दे रही है। बट अगर आपने कंटिन्यू रखा ना, तो ट्रैवलिंग के ही कार्ड में मैंने ऊपर देखा कि सन बना हुआ है। अगर आपने इसी जर्नी को कंटिन्यू रखा तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस इतनी ज्यादा ब्राइट होगी कि आप नहीं सोच सकते। ठीक है, द रेबल हमें ये बताते हैं कि डिफिकल्ट तो होने वाला है, बट आप हर बेड़ी को तोड़कर आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप ऊंचाइयों में जाओगे, आप वो हर पॉसिबल एफर्ट करोगे जिससे कि आप इस चैलेंज को जीत पाओ। द क्रिएटर का कार्ड आया, तो क्रिएटर का कार्ड हमें ये बताते हैं कि आप कुछ मैजिक करना चाहते हो, आप कुछ अपने आप करना चाहते हो, आप लोगों की बातों में या लोगों की वीकेंड से, लोगों के सक्सेस पर नहीं आप कूदना चाहते, आप खुद कुछ करना चाहते हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप में ये एबिलिटी है, आप में गट फीलिंग है कि मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। न्यू विजन का भी कार्ड हमें नजर आता है कि नए नजरिए से आप चीजों को देखोगे। ठीक है, नए नजरिए से उनको लोगे और आगे की तरफ बढ़ोगे। बहुत टाइम से जो परेशान थे, जो स्टकनेस लाइफ में थी, उनको छोड़कर अब आप आगे बढ़ोगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद ये जो कार्ड्स थे आप लोगों के, ये थे ओशो ज़ेन से, इसको हम साइड रख देते हैं और बात करते हैं राइडर वेट की। ठीक है, राइडर वेट से जो आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया था वो आया था एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप आगे स्टडी कंटिन्यू करने का सोच रहे हो, अपनी हॉबी को कंटिन्यू करने का सोच रहे हो, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत सारी हैं, अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर। ठीक है, आपके फील्ड में अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई दिखाई देंगी। स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं है, टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, टाइम टेकन है ये काम, बट आप इसको करोगे बिकॉज आप इसमें अपनी रुचि रखते हो, आप इसमें अपना इंटरेस्ट रखते हो, तो आप इसको जरूर करेंगे बहुत अच्छे से। अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उनको ग्रैब जरूर करेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्ड आया था हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि फीलिंग्स जो है आपके लिए अभी पीक पर है, फीलिंग्स ने आपको हर्ट करा है, इसलिए आप इतना सब करने की सोच रहे हो। फीलिंग्स ने आपको हर्ट किया है कहीं ना कहीं, फीलिंग आपके माइंड में स्टैंड को सबसे पहले जो चीज़ चलती है ना वो फीलिंग्स चलती है, वो प्यार है किसी चीज़ के लिए, या तो खुद के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तभी आप इतना सब करने की इस टाइम गट फीलिंग रख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है मैं अपने बहुत क्लोज वन से हर्ट हुई हूँ। ठीक है, तो इसलिए गट फीलिंग मुझे नजर आ रही है। लव लाइफ के लिए अच्छा कार्ड, इट्स अ गुड कार्ड, बट मुझे ये पता चलता है कि आप थोड़ा अवेयर रहें तो जरूर अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको अवेयर रहना जरूरी है, आप एक सही पाथ पे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको अवेयरनेस जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत वे को पकड़ लें। ठीक है, तो अवेयर रहो, अवेयरनेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फिलहाल। क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया, क्वीन ऑफ वॉन्स हमें बताते हैं कि अगर आप एक वुमेन है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सो यू आर एन एजुकेटेड वुमेन, आप एक समझदार वुमेन है, आगे की ओर बढ़ना चाहती हैं, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ना चाहती हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं। ठीक है, और मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यायप्रिय हैं आप। ठीक है, आप किसी के साथ भी मतलब गलत होते हुए नहीं देख सकती, गलत नहीं कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी तरह से। इसके बाद जो कार्ड हमारे पास आता है वो आता है किंग ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड हमें एक चीज और बताते हैं, अगर आप एक वुमेन हैं और आप इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आपके जो पार्टनर हैं, या अभी तक अगर आप सिंगल है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर आने वाला है, आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित, प्रॉपर डेडिकेशन होगा उस पार्टनर का, उस मैन का आपके लिए। ओके, सो अगर आप एक वुमेन हैं तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में बहुत ही डेडिकेशन पर्सन आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए केयरिंग, लविंग, प्रॉपर तरह से, मतलब जो एक सही मायने में आपको रिश्ते का मतलब समझा सकते हैं ना, किसी भी इंसान को, इस तरह के वो पर्सन यहाँ पर हमें आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप एक मैन हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छी वुमन आने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी होंगी, न्यायप्रिय होंगी, आपके लिए सपोर्टिव होंगी हर तरह से। मतलब मुझे पता चलता है कि ये जो मैच आपकी लाइफ में आने वाला है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होगा एक दूसरे को लेकर, बहुत ही अच्छा मैच, मतलब ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो एक लव कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, उसका मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी बता देती हूँ। When you pass from this world, you take nothing with you, but your soul and the memories you have shared with those you love. ठीक है, जब भी हम इस दुनिया से, कोई भी इंसान इस दुनिया से जाता है, जो वो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता सिवाय अपनी आत्मा के और अपनी मेमोरीज के, जो कि शेयर करी है उसने अपने लव्ड वन के साथ। तो हर चीज छोड़ो, बस ये आप यहाँ पर ये देखोगे, अगर आपके लिए कोई ऐसा डेडिकेटिंग पर्सन आपको मिल रहा है, तो इस तरह की दुनिया में आजकल हमें ऐसा पर्सन नहीं मिलता।
तो आप भी उनके लिए समर्पित रहें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों का मैच बनता है तो इट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, सो ये रीडिंग थी जेमिनाई आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं कैंसर ज़ोडियक साइन की तरफ कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं कैंसर, कैसा जो है आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, ये वीक अगस्त का क्या मैसेजेस हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, सो वीडियो जो है थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट मैंने इस बार बहुत ब्रॉड वीडियो बनाई है। बहुत मतलब मुझे बोला यही जा रहा था कि मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियोज जो है वो अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर तरह से यहाँ पर मीनिंग्स के साथ और प्रॉपर कार्ड को दिखाते हुए आप लोगों को वीडियोज बनाई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैंसर। Going with the flow, okay. Turning in, that's great. Next one is experiencing, परेशान हो, okay. कभी भी गुस्सा कर देते हो, किसके लिए है मुझे नहीं पता, but I'm getting intuitions like this. गुस्सा कर देते हो, कभी बिल्कुल शांत रहते हो, okay. Change आ रहा है आप लोगों के अंदर, change का card मिला है मुझे। प्लेफुलनेस दिखाते हो, बहुत खुश हूँ बट दिक्कतें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने आप लोगों के लिए फाइव कार्ड्स निकाले हैं ओशोजन से, वो हमने साइड रख दिए हैं बिकॉज हम राइडर वेट से भी आप लोगों के लिए कुछ कार्ड्स जो हम निकालेंगे। नाइट ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट। बट फर्स्ट इन आपकी लाइफ में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं न्यू रिलेशनशिप्स, वेरी गुड रिलेशनशिप्स। ओके, आप लोगों के लिए बहुत सपोर्टिंग रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द टावर है, मतलब कुछ बर्स्ट होने वाला है, मतलब कुछ इशू है जो खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ोगे। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब गाइस बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलने वाला है, यू नो, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छे हर तरह से। ठीक है, तो एक कार्ड और निकालना है हमें यहाँ से। थ्री ऑफ वॉन्स, दैट्स ग्रेट। एक लव कार्ड निकालेंगे। ठीक है, और जहां जहां जो जो चीज रिजोनेट करती जाए मुझे वो सब कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, ताकि यार मुझे पता चल सके कि अगर मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो वो आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, आप लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और कुछ एक्टिविटीज वहां रखेंगे टैरो से रिलेटेड ही। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं, ग्रुप कुछ दिन बाद बनेगा, लेकिन कांटेक्ट जो है वो आप अभी वहां अपने शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप ग्रुप में ही रहें, मैं आपको पर्सनली भी वो एक्टिविटीज शेयर कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए। नीचे इंस्टाग्राम में मेरा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हैं तो वहां मुझे जरूर मिलिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, वीकली रीडिंग्स वहां पर डलती हैं। ये कार्ड मैंने आप लोगों के लिए देके पुल करा है, और देखते हैं अब आप लोगों की लाइफ में इस वीक क्या लिखा है। मतलब बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, देखो मैंने तो मतलब आज बहुत अच्छी एनर्जीज है, मैं सच बताऊं तो। गोइंग विद द फ्लो में बताते हैं कि आप फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, मुझे ये पता चलता है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ से बहुत से लोग यहाँ पर हर्ट हुए हैं। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हैं, परेशान है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब फेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये पता चलता है हमें कि अब बस आप लेकिन अब फ्लो के साथ चल रहे हो, आप चीज़ों में छेड़खानी नहीं कर रहे, कोई आपकी उस तरह से सुनने वाला नहीं है। तो आप कभी कभी अकेले बैठते हो, कभी अकेले रो पड़ते हो बैठकर, मतलब अपनी फीलिंग्स को आप किसी को बता भी नहीं पा रहे। लेकिन अगर ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपको नेगेटिव लग रहा है ना, तो ये आपके लिए एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना पड़ेगा, ये लिखा है। बट इसके बाद का जो रिजल्ट होगा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप एक लेडी हो और आप इस वीडियो को देख रही हो तो सीरियसली आपकी लाइफ में कोई बहुत ही अच्छा पर्सन आने वाला है, बहुत अच्छा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, मतलब बहुत ही केयरिंग, जो आप सोचा भी नहीं होगा शायद आपने, इस टाइप का पर्सन आई कैन गारंटी कि इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। और मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कि हाँ आपकी लाइफ जो है वो अच्छी हो। मैं ये नहीं कहती किसी के लिए मैनिफेस्ट करो, नहीं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए मैनिफेस्ट करो, ऊपर वाले से कुछ अपनी चीज़ मत मांगो, ये मांगो कि आपको जो मेरे लिए ठीक लगता है वो दो। ठीक है, तो
टर्निंग इन का कार्ड है, इसके बाद टर्न इन हो रहे हो, लोग जो कह रहे हैं कहने दो, व्हाटएवर दे आर सेइंग, यू आर इग्नोरिंग देम, दैट्स इट, आप उनको बस इग्नोर कर रहे हो, टर्न इन कर रहे हो पॉजिटिविटी में आप, ठीक है, अपने आप में टर्न इन कर रहे हो, खुद से क्या चाहते हो, खुद के साथ रहना चाहते हो सबसे पहले, तो टर्न इन हो रहे हो पॉजिटिविटी में। चेंज का कार्ड आया है, चेंज का कार्ड हमें ये बताता है कि एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हर तरह से चेंज कर देगा, सक्सेस की ओर डेफिनेटली लेके जाएगा, बट आपको प्रॉपर तरह से ये चेंज कर देगा। कार्ड बहुत पॉजिटिव है, कार्ड से हमें पता चलता है कि आपकी लाइफ में बिग चेंजेस आने वाले हैं। वही टर्निंग इन ने भी हमें यही बताया कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, आप अपना सेटिस्फैक्शन, अपने मन का सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने लिए देखो, अपनी फैमिली के लिए देखो, बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लेफुलनेस का कार्ड है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, जिस चीज में खुश रखना पता है कि मेरा मन खुश रहता है उसकी ओर आगे बढ़ते हो, अच्छी बात है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, मुझे नजर आ रहे हो, लोगों को खुश रखते हुए नजर आ रहे हो, अच्छी बात है, बट मन में कहीं ना कहीं दुख है, ठीक है। इसके बाद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो कि हमें बताते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रिंस आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप, ट्रू रिलेशनशिप, मतलब दिल से निभाने वाले रिश्ते जो हैं, आज तक तो मैं कह रही हूँ चलो आपने ही निभाए हैं, लेकिन अब आपको ऐसे रिश्ते मिलेंगे जहाँ सामने से भी पर्सन आपको उतने ही अच्छे से डेडिकेशन देगा जितना आपने आज तक दिया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मुझे यहाँ पर आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से आपकी केयर कर रहे हैं, समय समय पर आपकी चीजों का, आपका ध्यान रख रहे हैं, इस टाइप के पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। और अब मतलब कुछ ठीक है, कुछ टूटता है तो कुछ तभी कुछ नया उसमें से हम बना पाते हैं, जहां फंस चुके हो ना आप वहां से बाहर निकलोगे। द टावर का कार्ड है, जो कि हमें बताता है कि टावर में आग लग गई है, ठीक है, और अब आपको कूदना पड़ेगा यहाँ से, अब इस सिचुएशन की लास्ट है कि बस यार बहुत हो गया, आपने झेल लिया जितना झेलना था, कूदो अब यहाँ से, इस सिचुएशन को छोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में, और आप बढ़ोगे भी, और ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएगा ना, ये आपको हेल्प करेगा कि आप इन चीजों से उभर पाओ, अपने काम की तरफ, जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ो, अपने बिजनेस की तरफ बढ़ो, भले ही आप मैन हो या वुमेन हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है, आप अपने बिजनेस की तरफ आगे बढ़ो। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताते हैं यहाँ पर कि बहुत ही केयरिंग पर्सन, मतलब एक जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो कि बार बार हर किसी को जिंदगी में नहीं मिलते। अगर आपको इस तरह का पर्सन कोई लाइफ में मिल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका मतलब ये कर्तव्य बनता है कि आप उसको लेट गो ना करें, उसको जाने ना दें इस तरह से, बिकॉज हर किसी की किस्मत में इस तरह के लोग नहीं होते। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी पर्सन मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली मिलेगा, तो आप उनके साथ अच्छे से बर्ताव करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मतलब बहुत आगे का सोचें, बट एटलीस्ट आप उनसे फ्रेंडशिप करें, बिकॉज यही चीज़ आपको उन प्रॉब्लम से निकालेगी जहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। ये जो लव कार्ड है आप लोगों के लिए, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, पीछे यहाँ पर मैसेज लिखा है तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, एम्ब्रेस, ठीक है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस, आप दोनों कहीं ना कहीं टूटे हुए प्रतीत होते हो, ऐसा पता चलता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं ब्रोकन हो, लेकिन अपने आप के जो आधे आधे पीसेस टूट गए हैं ना, आप दोनों जो ब्रोक हो गए हो, कहीं ना कहीं ब्रेक हो गए हो, वो आप दोनों एक दूसरे से मिलकर, मतलब एक दूसरे के साथ रहकर आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और मैं तो मतलब इस टाइप के कार्ड्स बहुत कम आते हैं गाइस, तो मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आपकी लाइफ जल्द से जल्द बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा पार्टनर आए आपकी लाइफ में, आपको जिंदगी भर खुश रहे, आपके अपने दर्द भरे पास्ट में आप कभी ना जाओ ना आपको ज़रूरत पड़े, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में देखो ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम भी मिलती रहे। और ये जो चार जोड़ी एक साइन की हमने बात करी है, इसकी हम वीडियो सैटरडे में डाल देंगे, ठीक है, और उसके बाद की जो दो वीडियोस हम और बनाएंगे वो हम संडे तक शाम तक अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।